Hello students. So today we are starting the topic for the class 11th, projectile motion. इस क्वेश्चन में एक कैनन को फायर किया गया और वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक सर्टेन एंगल से फेंका जा रहा है, तो वो 500 मीटर की दूरी पे गिरता है। मींस उसकी रेंज 500 मीटर हो गई। यू कैन सी इन द डायग्राम वेलोसिटी इज गिवन 100 मीटर पर सेकंड विद मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और रेंज है 500 मीटर पर 100 मीटर और रेंज है 500 मीटर। तो अब हम रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इससे आप साइन टू थीटा को निकालेंगे, आर इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर, प्लेस द वैल्यू 500 इंटू 10 अपॉन 100 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 की जगह साइन 30 लिख के यू विल गेट द थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। एट द सेम टाइम हम जानते हैं अगर थीटा एंगल या 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो वो सेम रेंज एक्वायर करता है। तो 500 मीटर की रेंज एक्वायर करने के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 90 माइनस थीटा मींस 90 माइनस 15 मींस 75 डिग्री आल्सो। दिस क्वेश्चन, एक स्टोन को एक ब्रिज जो कि सर्टेन हाइट h का है उससे फेंका गया है बाई मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री डाउन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए डायग्राम में वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे को है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से डाउन, तो ये पैराबोलिक कर्व बनाता हुआ नीचे आएगा। और नीचे पहुंचने में जब वो पानी से टकराता है तो उसको टाइम लगता है 2.5 सेकेंड। अब हम सबसे पहले यू वाई निकालें, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 25 साइन 30, तो आप 25 इंटू 1/2 मीन्स 12.5 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। दूसरा, अगर अब हमको हाइट निकालना है ब्रिज की, तो ब्रिज की हाइट निकालने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे जो हमारी टिपिकल इक्वेशन होती है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर फिर ध्यान देंगे u की जगह लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि नीचे गिरती हुई बॉल वर्टिकल कंपोनेंट से कंट्रोल होगी। तो 12.5 इंटू टाइम की जगह लिख दिया 2.5, हाफ जी 9.8 इंटू टी 2.5 होल स्क्वायर ये गिवन था। इसको सॉल्व करके 61.87 मीटर ब्रिज की हाइट आ जाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है एक टॉवर है जिसकी हाइट h है, इससे एक स्टोन को वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका गया विद एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें हम इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टाइम गिवन है 4 सेकेंड टोटल फ्लाइट का टाइम। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जहां से बॉल फेंकी गई और जमीन पे जब गिरी नीचे आके वहां तक का टाइम है। तो ये पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मीन्स यू कॉस 30, क्योंकि 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन थी। यार क्या करते हो तुम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा मीन्स यू कॉस 30, तो 16 वेलोसिटी गिवन थी, 16 इंटू रूट 3/2 मीन्स 8√3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो 16 साइन 30 मीन्स 16 इंटू 1/2 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब हमको जब हाइट निकालनी है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, हम यहाँ पर हाइट निकालने के लिए फिर अपनी टिपिकल इक्वेशन एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यू क्या लेंगे, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखनी है, हम यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, उसमें नेगेटिव का साइन लगाएंगे, मींस -8 × 4 +1/2 9.8 × 4 स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? यहां पर हमने टोटल फ्लाइट टाइम लिया है स्टार्टिंग से लेके जब बॉल एंड में नीचे आके गिर रही है, मींस हमने वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए देखा, और जब हमने स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्शन को तो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, और बॉल तो फाइनली नीचे गिर रही है या स्टोन तो नीचे गिर रहा है। तो जब कोई बॉडी इस सिचुएशन में हम कंसीडर करते हैं और उसके टोटल टाइम के रिलेशन में इक्वेशन लेते हैं, तो यहां पर माइनस लगाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में। दैट्स व्हाई यू विल सॉल्व द इक्वेशन इन दिस मैनर एंड यू विल गेट 46.4 मीटर एज ए हाइट। नाउ वी कम टू रेंज, रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी, तो यूज योर कंपोनेंट 8√3 × 4, you will get 32√3 means 55.4 meter. Now we come to next question. देखिए यहां पे एक प्लेयर ने एक बॉल को 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाकर ऊपर की ओर फेंका है और बॉल ऊपर से नीचे गिरी है जमीन पर, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर हाइट दी हुई है 12 मीटर और रेंज आर है, वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड है और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एज यूजुअल हम यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस 30 मीन्स 14 cos 30, यू विल सॉल्व इट एंड गेट 7√3 मीटर पर सेकेंड, एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 30 means 14 sin 30, you will get 7 meter per second velocity. तो हमें horizontal और vertical component मिल गए। अब हम फिर से equation use करेंगे, h is equal to u sin theta into t plus half dt square, और time को calculate करेंगे। Again हम ध्यान देंगे यहाँ पर velocity जैसा अभी discuss किया था -7 meter per second लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से हम वेलोसिटी देख रहे हैं और वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसको नीचे आ रहा है। यहां हम इक्वेशन में सारी वैल्यूज रखेंगे, तो -7 × t +1/2 × 10 × t² = 12, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t² - 7t - 12 = 0, यू विल गेट टाइम 12/5 सेकेंड। रेंज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, u cos थीटा into t, u cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 7√3 और टाइम अभी-अभी निकाला 12/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 29.1 मीटर रेंज आ जाएगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना के फेंका गया है, और कहां से फेंका गया है, एक टॉवर से जिसकी हाइट दी हुई है h, और जब वो जमीन पे गिरता है तो उसकी टोटल रेंज है 17.3 मीटर, मींस जब हम h हाइट की टॉवर से बॉल को फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो जमीन पे गिरते समय तक वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 17.3 मीटर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और हाइट पता लगाएंगे टॉवर की। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, प्लेस द वैल्यू यू 10 cos 30, यू विल गेट 8.65 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 30, 10 sin 30 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। अब रेंज निकाल लेंगे, तो रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी। अब रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो R की वैल्यू 17.3 मीटर रखेंगे और यू कॉस थीटा 8.65 इनटू टी, तो टाइम निकल आएगा 2 सेकंड सॉल्व करने पर। अब हमको टाइम पता लग गया, अगेन वी विल यूज H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू की जगह यू साइन थीटा और नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि इनिशियली बॉल जहां से फेंकी गई है वहां से हम टोटल टाइम कंसीडर कर रहे हैं गिरने तक का, यानी 17.3 मीटर रेंज का, तो वहां पे तो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है। तो h इज इक्वल टू -5 × 2, टाइम की वैल्यू लिख दी,
प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, यू विल गेट हाइट 10 मीटर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम रेंज 100 मीटर है किसी बॉडी को थ्रो करते समय, और हमको पता है जब मैक्सिमम रेंज होती है तो बॉल 45 डिग्री के एंगल से थ्रो की जाती है। तो देखिए बताया गया है, आप क्वेश्चन के सोल्यूशन में देख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू साइन 2 थीटा अपॉन g में r मैक्सिमम निकालने के लिए हमने 45 एंगल की जगह लिखा, तो यू विल गेट साइन 90, अल्टीमेटली साइन 91, तो यू विल गेट रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन g। नाउ प्लेस द वैल्यू, रेंज इज इक्वल टू 100 एंड g 9.8, यू विल गेट u स्क्वायर is equal to 100 into 9.8 means u is equal to 14√5 meter per second। तो इस तरह से velocity पता लग गई maximum range के respect में। अब हमको maximum height निकालनी है। अब question में बोला गया है जैसा कि maximum height attained कितनी हो सकती है, तो भाई maximum height attained करने के लिए हमें vertical angle कितना बनाना पड़ेगा, 90 degree। हमें रेंज मैक्सिमम नहीं चाहिए, अब हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो बॉडी को सीधे ऊपर जाना चाहिए, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 लिखेंगे एंगल में अपॉन 2g, प्लेस द वैल्यू 14√5 होल स्क्वायर इंटू साइन 91 अपॉन 2 इंटू 9.8, यू विल गेट आंसर हाइट इज इक्वल टू 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेन उड़ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो उड़ते समय कुछ सामान नीचे फेंकता है, जैसा कि मैंने बॉल बना दिया है, तो बॉल को नीचे फेंक रहा है, और वो प्लेन इस समय पर 200 मीटर और वो प्लेन इस समय पर 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, यानी 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, और वो सामान या बॉल को नीचे फेंक रहा है। अब क्योंकि वो उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वही बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, या बॉडी की जो कि नीचे गिराई जा रही है उसकी वेलोसिटी होगी इनिशियल लेवल पे, और बाद में तो बॉल प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक मोशन में नीचे गिरेगी। तो यू विल टेक ux, यानी कि कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है 100 मीटर पर सेकेंड फॉर बॉल ऑल्सो, जबकि उस समय पर वर्टिकल कंपोनेंट का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि बॉल नीचे को गिर रही है, तो uy विल बी 0 क्योंकि वो 2000 मीटर की हाइट पर है। अब जब वो बॉल गिरेगी और जमीन पर आएगी तो हाइट हमारी 2000 मीटर कवर अप हो चुकी होगी, और जी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग योर इक्वेशन, h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लेस वैल्यूज, h इज इक्वल टू 2000, क्वाइट ऑब्वियस है यू वाई के जगह हम 0 लिखेंगे क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, प्लस हाफ जी की जगह 10 और टी स्क्वायर, यू विल गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड टी इज इक्वल टू 20 मीटर एंड टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। अब रेंज को कैलकुलेट कर लीजिए, तो यू एक्स इंटू टी, एज यू एक्स इज गिवेन 100 और अभी अभी टाइम निकाला 20, यू विल गेट 2000 मीटर द रेंज। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड न्यूमेरिकल्स ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इन द कमिंग वीडियो आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग थ्योरी ऑफ projectile motion। Thank you very much।